पैरीगर और पिताजी के नाम पर तहे भीखल झाओ और पुत्र के नाम तोतावन और हमारा ही नाम पड़ता है ठेवा पंडित। मैंने एक बचपन में दोस्त लगाया रुदल सिंह से, ना रुदल सिंह मेरा पास आए है मुझे बात करने के लिए, नहीं मैं उसे प्रेसी पास गया मिलकर करने के लिए। आज मुझे भी जलसा है जी, मैंने राज महब्बा वाला रुदल सिंह से जाकर मैंने मुलाकात करूं।
महीना बीत गया लेकिन जिस समय से आप राज महब्बा से गया क्या राज महब्बा को भूल गया राज महब्बा के मायने कभी भूला हूं नहीं भूलूंगा दोस्त आपको समय बता दा दे सची की कुशल बताइए दोस्त राज महब्बा में थे जब तक रुदल सिंह जिंदा है तब तक कोई चीज का प्रभाव नहीं रखता है इसलिए एक आपने किला में मेरा दुश्मन रहता है मैं तो जब तक आप नहीं आते हैं तब तक कहीं भी नहीं जाते हैं इसलिए आज मेरा विचार है कि दोनों दोस्त मिल करके इसी लाल बाग में थोड़ा टाइम आराम कर लें चलिए दोस्त आवाज चलिए अब करिए देखते हुए अगर रुदर सिंह राज महब्बा
नहीं आए तर मार बहन की तलाश खाना खाए ते गाय के गोश पानी पिए गाय का खून दतमन करी हड्डी नहीं आने पर मां बहन की तलाक रुदर जी ये बड़ी भावी सोना याद को बहुत जोर तबीयत खराब है नहीं दोस्त इस लाल बाग में लगता है कोई देश का खोपी आया है हां मुझे ये पत्र लिख करके यहां से भगाने के लिए चाहते हैं आज से एक साल भावी की गुजर गई लेकिन आज तक ना कोई पत्र नहीं लिख करके भेजती थी जो भी काम होते हैं मंत्री के द्वारा से शीघ्र ही बुला लेते हैं इसलिए सबसे पहले इस आदमी को खोजा जाए इस बगीचा में खोजो क्या जरूरत था महाराज मैं डर से नहीं आपको सामने आए मैं डर से आपके सामने नहीं आए महाराज मैं दूर से पत्र फेंक दिए महाराज हराम चादे जय बंदे सही भावी ये पत्र लिखी जी महाराज भावी पत्र लिखे हैं महाराज और हमारे घरवाली को बहुत जोर तबीयत खराब है अपने घरवाली का एक छावड़ा में ले परसौती गए तो वो नहीं अले मानी कमरे में भाभी ने तुम्हारे घरवाली को पत्र दिए और लेकर के तुम आए हो परसौती में आज तुझे बदन को चाम खींच लूंगा मालिक आज हम यहाँ से तेरे दोनों हाथ काट लेते क्या ऐसे गलती तो नहीं करोगे अब कहीं नहीं करोगे चलो मेरे साथ चलो राजमहल तक I'm so nervous.